डिजाइनिंग फॉर ग्रोइंग फ्यूचर। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट यूनिसन स्कूल। तो यूनिसन स्कूल जब हमने प्लानिंग करना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले वॉज लाइक कि जब हम साइट पे पहली बार गए थे, इट वॉज एन एग्जिस्टिंग ब्रिक लेन। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ब्रिक का चिमनी था एंड इट हैड लॉट ऑफ ब्रिक्स। वहाँ पर उन्होंने, जब क्लाइंट ने बताया कि यहाँ पर हमने स्कूल बनाना है, पूरा लैंड भी काफ़ी ज़्यादा स्लोपी था, अंड्यूलेटिंग था, ग्रेडेड नहीं था बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग हुई थी। तो और काफ़ी सारे उनके पास कुछ कच्चे ब्रिक्स और कुछ पक्के ब्रिक्स बचे हुए थे। द स्कूल साइट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था बिकॉज नॉर्मली स्कूल्स के लिए जितना साइट हमें नॉर्मली मिलता है उससे काफ़ी कम था, एंड शेप जो प्लॉट का जो शेप था वो काफ़ी अंड्यूलेटिंग था। तो जिसके कारण हमें उसके अंदर बेस्ट अवेलेबल एरिया यूज़ करना था बिल्ड करने के लिए। तो इस स्कूल के अंदर जब हम एंट्रेंस पे अराइव करते हैं, हमने डेलिब्रेटली वहाँ पर एक पॉकेट क्रिएट किया, शो ए सेंस ऑफ अराइवल, जहाँ पर हमने फाउंटेन वगैरह सब क्रिएट किया। बिकॉज जो रास्ता है जो स्कूल तक जाता है, बिकॉज ये न्यूअर डेवलपिंग एरिया है, वहाँ पर द रोड वॉज लाइक कि वो पूरा एक अंड्यूलेटेड रोड है जिसमें कोई भी एंटर करता है। उस चीज़ को एक सेंस ऑफ अराइवल क्रिएट करने के लिए हमने काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बना के वो हमारी जो स्कूल की लैंड है वो बाहर निकाल के एक प्लाजा क्रिएट किया। वहाँ से जब हम एंटर करते हैं स्कूल के अंदर, तो हमारे पास स्कूल जो है वो टोटल 3 ब्लॉक्स में बना हुआ है, जिसके अंदर अभी जो एक 2 ब्लॉक्स हैं जो एकेडमिक ब्लॉक्स हैं और एक सेंट्रल ब्लॉक है जो कि एडमिन ब्लॉक है। एडमिन ब्लॉक नीचे 2 फ्लोर्स एडमिन ब्लॉक है, ऊपर जो है वो एकेडमिक ब्लॉक के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। वंस वी एंटर इनटू द स्कूल, तो मेन जो एस्पेक्ट होता है जो डिज़ाइन का, विच इज़ लाइक कि हमें एक तो मूवमेंट पैटर्न जो स्कूल के अंदर इन एंड आउट गेट का जो एग्जिस्टिंग एरिया जहाँ पर बसेस की मूवमेंट होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, वो यूनिसन स्कूल में हमने इस तरीके से एड्रेस किया। जैसे स्कूल के बसेस हैं और स्कूल के 2 गेट्स हैं, एक फ्रंट में गेट होता है एक रियर गेट, जहाँ से बसेस की अलाइनमेंट, बिकॉज एंटायर एरिया ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अक्रॉस द रोड ट्रैवल ना करें, तो सारे जो बस बोर्डिंग एरियाज़ जो हैं, बोर्डिंग गेट्स जो हैं, वो लंबे लंबे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बसेस से आइदर साइड पे बच्चे उतर भी सकते हैं और वो चढ़ भी सकते हैं, सो दैट बच्चों की बहुत सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया। दूसरा, जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, उनको खेलने के लिए डेडिकेटेड सेफ प्लेइंग एरियाज चाहिए होते हैं, जो हमने बेसमेंट, जो हमें लोअर ग्राउंड फ्लोर में हमने संकन कोर्टयार्ड्स, जिसके अंदर हम ग्राउंड फ्लोर की क्लासरूम में लाइट भी लेके आ रहे हैं और एट द सेम टाइम बच्चों के लिए एक सेफ प्लेइंग एरियाज हम क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज जब छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े बच्चों से मतलब दे कैन बी बुलीड विद बिगर स्टूडेंट्स, तो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड टू क्रिएट सेफ प्लेइंग एरियाज फॉर यंगर चिल्ड्रन। तो वो चीज़ें हमने क्रिएट किया विच हैव बीन इन शेडो थ्रू आउट द डे, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, धूप नहीं पड़ती है, तो वो एरियाज हमने चूज करके हमने संकन कोर्ट्स बनाए। एंड बिल्डिंग का, बिकॉज नेचुरली जो टेरेन है वो जितना अंड्यूलेटेड था, तो हमने बाहर से बिना मिट्टी खरीदे पूरा लैंड को ग्रेड किया। तो ग्रेड करने के लिए कुछ एरियाज हमने ऊपर उठाए बिकॉज जितने भी एरियाज हैं, एंड कुछ एरियाज नेचुरली हमने स्लोप कर दिया, मतलब जैसे ग्राउंड फ्लोर है वो आधा ज़मीन के नीचे है, आधा ज़मीन से ऊपर है, उसके कारण जो ग्राउंड की जो एक्सेस है और ग्राउंड की तरफ जाने के लिए जो स्लोपिंग एरियाज हैं, इससे क्या है कि बेसमेंट में जो क्लासरूम जो टेक्निकली बेसमेंट हो सकते हैं वो ग्राउंड फ्लोर बन गया, एंड हमारी जो स्कूल की एंट्रेंस है वो फर्स्ट फ्लोर से हो गया। तो वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, हम फर्स्ट फ्लोर से बिल्डिंग एंटर कर रहे हैं, नीचे हमारे पास बच्चों के प्ले एरियाज भी दिख रहे हैं, और जब हम एडमिन एरिया को ब्लॉक को देखते हैं, मतलब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है एंड वो ब्लॉक्स को एक अलग अलग बॉक्सेस की तरह, वॉल्यूम्स की तरह बाहर निकले। बिकॉज ये जो स्कूल है ये एक मतलब इन ग्रुप के लिए दिस इज़ इन अ न्यूअर एरिया, तो हमें इनिशियल ईयर्स स्कूल के होते हैं उसके अंदर हमें स्कूल का एक्सेलेंस को पोर्ट्रे करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन ही अवेलेबल होता है, हमारे पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सेलेंस होते नहीं है जो दिखाने के लिए। तो जो स्कूल का विजन, जो प्रमोटर्स का विजन दिखाने के लिए स्कूल का डिज़ाइन पेरेंट्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम मतलब जो चीज़, अगर हम ये कहते हैं कि हम फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, हम बहुत कुछ अलग करने वाले हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर में ही हमने अलग नहीं किया, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि बाकी सब चीज़ें हम अलग करेंगे। स्कूल के अंदर मतलब
सर्विसेज को बहुत ध्यान रखा गया, बिकॉज जब हम स्कूल के फसाड बना रहे थे तो ये ज़रूर था कि जनरली स्कूल के अंदर जो फसाड के ऊपर एयर कंडीशनर्स जो हैं वो बहुत आफ्टर थॉट की तरह बाहर निकलते हैं। इसके अंदर लगभग जो बैल्कनीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से किया, जो वर्टिकल बैल्कनीज हैं, ताकि हर क्लासरूम के बाहर जो भी एयर कंडीशनर्स हैं वो बैल्कनीज में आ जाएं, वो फसाड से डायरेक्टली विजिबल या एक्सपोज ना हो। और इनको अंदर से हमने ब्राइट कलर्स के साथ किए हैं, जो मोनोटनी है, बिकॉज इसकी जो वॉल्यूम्स को ब्रेक करने के लिए जो मोनोटनी है उसको ब्रेक करने के लिए हमने अलग अलग वॉल्यूम्स क्रिएट किए हैं। और जो सेंटर वाला ब्लॉक है वो ऐसे लगता है कि एज इफ दिस वॉज लाइक कि जो बच्चों का एक प्ले होता है कि वेर यू आर स्टैकिंग ऑफ बॉक्सेस ऑन वन टॉप ऑफ ईच अदर, तो उस तरह का एक्सपीरियंस हमने उसको क्रिएट किया, सो विच ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट। एंड ईच वॉल्यूम हैज़ डिफरेंट कलर्ड ग्लासेस, तो उन कलर्ड ग्लासेस की जो वॉल्यूम्स के पीछे कहीं पर लैब्स हैं, कहीं पर ऑफिस हैं, तो उन सब की एरियाज़ का जो इंटरनल एक्सपीरियंस है वो बहुत एनहांस करता है। तो हमें बिल्डिंग को पूरा एक तरफ शिफ्ट किया सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम अवेलेबल ऑफ ग्राउंड्स, बिकॉज प्लॉट छोटा है तो मेरे को ग्राउंड्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने बिल्डिंग्स को जितना पेरीफेरी के आसपास बना सकते थे वो हमने उसको एनहांस करके बनाया। अगर आपको कोई भी स्कूल में एंटर करता है उनको बच्चे हमेशा दिखते हैं तो वह आपको एक सेंस ऑफ अराइवल होता है कि हम एक स्कूल में आए हैं। तो उसके लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो हमने एंट्रेंस के पास रखा हुआ है, ताकि जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें स्कूल में बच्चे दिख सकते हैं, या हम कहीं पर भी स्कूल में होते हैं तो जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो हम फ्रंट में लेके आएँ। स्कूल में एक ओपन स्टेज भी हमने बिल्डिंग के साथ इंटीग्रेट किया। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे स्कूल में जब हम ओपन फंक्शंस अगर हम करते हैं तो उसमें ग्रीन रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बट अगर वो बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड हैं तो क्लासरूम्स उस दिन के लिए स्पेसिफिकली ग्रीन रूम्स बन जाते हैं, वॉशरूम्स चेंजिंग रूम्स बन जाते हैं, तो उस तरीके से पूरा स्कूल का जो वो जो एरिया है वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है।